नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। मोबाइल चुराने वाले पकड़ाए गए, हिचकियाने से बालिका की हुई मौत, कंटेनर वाहन में लगी आग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मोबाइल चुराने वाले पकड़ाए गए। नागपुर इतवारी रेलवे स्टेशन से रेलवे सुरक्षा बल मोबाइल चोरी के आरोपी को पकड़ा लिया गया है। आरोपी को प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए युवक को पकड़ाने पर उसे 2 स्मार्टफोन बरामद किए गए। आरोपी खामला महाल निवासी 25 वर्षीय जितेंद्र हाथीमारे हैं, जो आरोपी ने बताया है कि उसे गोंदिया स्टेशन से ट्रेन नंबर 20857 पूरी मार्ट नगर शिरडी एक्सप्रेस से चोरी की थी। यह जानकारी के बाद जब GRP व RPS गोंदिया से संपर्क किया गया तो चोरी की रिपोर्ट पुष्टि की। इस गाड़ी में फरियादी शान वने और पति विश्व के साथ शिरडी जा रही थी। यह दंपति कोच नंबर A5 के वर्तट 58 में सवार थे। इन्हीं के 2 मोबाइल चुराए गए थे। आरोपी के पकड़ से बाद जब्त मोबाइल सहित कार्रवाई के लिए मोबाइल जब्त सहित कार्रवाई की गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिचके आने से बालिका की हुई मौत। नवीन पोस्टी महोपट में किराए से रहने वाले जाधव परिवार की 21 वर्षीय बालिका की हिचकी आने से मौत हो गई। बालिका को हिचकी आने के बाद उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रवि पाटिल के घर में मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रमेश जाधव किराए से रहते। उनके यहाँ कुछ दिन पूर्व रिद्धि और सिद्धि नाम की जुड़वा बालिकाएं पैदा हुई थी। 21 दिनों की रिद्धि को दोपहर में अचानक हिचकी आने से उनकी हिचकी बंद नहीं हो रही थी, तभी उनको निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने जांच के दौरान उनको ग्रामीण अस्पताल भेजने की सलाह दी। ग्रामीण अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिचकी आने की वजह अभी तक पता नहीं चली, साथ में उन्हें मृत घोषित कर दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कंटेनर वाहन में लगी आग, कोई हयात नहीं। ठाणे जिले के एक कंटेनर वाहन में आग लगने से उम्र में रखी सजावट की सामग्री नष्ट हो गई। हादसा रविवार की आधी रात के बाद हुआ। ठाणे नगर निगम के अपराध प्रबंधक प्रकोष्ठ के प्रमुख यसीना तंडवी ने कहा है कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। यह घटना करीब 12:30 बजे के दरमियान हुई। रोड पर चूल्हा पुल के पास हुई थी। जिस वाहन में आग लगी थी वह शादी के सजावट की सामग्री ले जा रहा था। सूचना मिलने पर अग्निशामक क्रमिक और क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ दल के सदस्य मौके पर पहुंचे। आग देर रात को काबू पाया गया थी, लेकिन कंटेनर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चला है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक स्टार्टिंग के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।